माता वैष्णो देवी के द्वार दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिस श्रद्धालु के पास RFID कार्ड नहीं होगा वो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के द्वार दर्शन करने नहीं जा पाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड का स्टाफ है वो प्रत्येक श्रद्धालु का RFID कार्ड स्कैन कर रहा है। मकसद है कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा रहे हैं प्रत्येक श्रद्धालु का डाटा जो है वो इनके पास मौजूद हो और हर एक श्रद्धालु की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो इन्हें पता होगी। आपको बता दें कि मकसद साफ है कि जिस तरह से पिछले साल माता वैष्णो देवी के द्वार में हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, उसके बाद ये तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। प्रत्येक श्रद्धालुओं को आप देखिए, हर एक श्रद्धालु जो है वो अपने साथ RFID कार्ड लेकर आया है। अगर जिस श्रद्धालु के पास RFID कार्ड नहीं होगा वो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड का स्टाफ है वो प्रत्येक श्रद्धालु का RFID कार्ड चेक कर रहा है। मकसद साफ है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े और तमाम श्रद्धालुओं की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो श्राइन बोर्ड को मालूम होगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 कटरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।